मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, उम्रे पर जाने का तरीका और अहकामात बयान फरमा दें। बहुत आसान है उम्रा करना। देखो, उम्रे के जो रुकन है ना, किसी भी इबादत का की जो बेसिक चीज होती है वो उसके अरकान होते हैं। उन अरकान के बगैर उस इबादत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जैसे नमाज में क़याम, रुकू, सजदा, ये नमाज के अरकान हैं। तो ऐसे ही उम्रे का जो रुकन है ना, वो है तवाफ। वो क्या है? असल में उम्रा बेसिकली जो नाम है किस चीज का? तवाफ का नाम है। आई बात समझ में? शर्त क्या है? एहराम की हालत में होना। जैसे नमाज के अरकान हैं क़याम, रुकू, सजदा, शर्त है बावजू होना। तो वजू ये नमाज का रुकन नहीं है। नमाज रुकन कहते हैं अंदर की चीज, और शर्त कहते हैं जो बाहर की चीज हो, जो बराह रास्त नमाज नहीं है। तभी आपका पहले से वजू हो तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन पहले से रुकू किया हुआ है तो क्या नमाज में रुकू नहीं करोगे? फिर भी करोगे दोबारा, ठीक है ना? तो अरकान जो है ना, उसके जो बुनियादी चीजें होती हैं। तो इसी तरह खूब याद रखो कि उम्रे का जो रुकन है, इस पे क्लिप बनाए, ये लाजमी जरूरी है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, उम्रे का जो रुकन है वो है बैतुल्लाह का तवाफ। शर्त क्या है? कि एहराम की हालत में, एहराम की हालत में। एहराम की हालत किसे कहते हैं? एहराम उस चादर का नाम नहीं है जो आपने ओढ़ी हुई होती है। खूब समझ लें, समझ में आ रही है बात? जैसे हम तकबीर तहरीमा, जब नमाज के लिए हम क़िबले की तरफ रुख करके अल्लाहु अकबर कहते हैं और हाथ बांध लेते हैं, अल्लाहु अकबर की राह पर पहुंचते ही आप नमाज में दाखिल। अब राह पर पहुंचते ही आप पर नमाज की पाबंदियां आयद हो जाती हैं। अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, खाना पीना नहीं कर सकते, क़िबले से अपने सीने को फेर नहीं सकते। तो एहराम नमाज के अंदर भी हो गया कि नहीं हो गया? ये किस तरह से होगा? अल्लाहु अकबर कहने से। तो इसी तरह याद रखो, उम्रे में जब एहराम में दाखिल होते हैं या हज में भी, तो उसका तरीका यह है कि लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये अल्फाज कहे जाएं उम्रे की नीयत या हज की नीयत से। हज की नीयत है तो अल्लाहुम्म इन्नी उरीदुल हज्जा, ए अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, फतकब्बलहु मिन्नी वयस्सिरहु ली। उर्दू में कह दें, इसको कबूल भी कर और आसान भी कर, उर्दू में भी कह दें। तो ये अल्फाज कहते ही आप एहराम में आ गए, चाहे आपने पैंट शर्ट पहनी हुई हो। उसमें चादरों का होना जरूरी नहीं है। और उम्रे की नीयत से कहे तो आप उम्रे के एहराम में आ गए, चाहे आप हरम के अंदर हो या हरम से बाहर हो, मीकात के अंदर हो, मीकात से बाहर हो। अब एहराम में आने के बाद एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। उन पाबंदियों में से एक पाबंदी है कि सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते। इसलिए पहले से सिला हुआ लिबास उतार लिया जाता है, क्योंकि जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक खत्म करेंगे ना उम्रे की नीयत से, तो फौरन एहराम में तो आप सिला हुआ लिबास तो पहना हुआ है ना आपने, तो गुना होगा आपको। उस गुना से बचने के लिए क्या किया जाता है भाई? सिला हुआ लिबास पहले उतारा जाता है, एहराम की नियत बाद में की जाती है। तो एहराम नाम है, एहराम की नियत से तलबिया पढ़ना। इस हालत में जो आप आ जाते हो ना, उस हालत को एहराम की हालत कहा जाता है। उन चादरों को एहराम नहीं कहा जाता। वो चादरें जो हैं एहराम का हिस्सा हैं, यानी एहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी, और वो चादरें भी नहीं है। असल हुक्म यह कि सिलावा कपड़ा नहीं पहनना। अब जाहिर है सिलावा कपड़ा तो नहीं पहनेंगे, तो अब क्या करें फिर? तो कुछ तो पहनना है ना। तो वो जो कुछ पहनना है वो एहराम में दाखिल नहीं है। वो कुछ पहनना वो उसका शर्मो हया से ताल्लुक है, सही है ना, कि भाई सिलावा नहीं पहनना। यही वजह है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज लोग एहराम बांध के वॉशरूम जा रहे हैं तो उनको वही चादरें उतारनी पड़ती हैं। वॉशरूम से फोन कर रहे होते हैं, मुफ्ती साहब मैं एहराम की हालत में हूं, चादर उतार सकता हूं? तो मैं उनसे फिर कहता हूं, भाई ये चादर एहराम नहीं है, ये तो आप उतार लें चादर। ये तो पहनी इसलिए जाती है ताकि लोग आपके, सही है ना, अच्छा नहीं है ना, ये बुरी बात हो जाएगी ना। खुद सोचो, तन्हाई में बैठ के कभी गौर करना मैं क्या कह रहा हूं। अच्छी बात है ये,
तो जिस्म तो छुपाना है ना अपना, तो उसके लिए ये किया जाता है, तो उसमें चादरें दाखिल नहीं है। दूसरी बात ये कि उस एहराम, अगर आप मक्का जा रहे हैं किसी भी नियत से, मक्का जा रहे हैं मीकात से बाहर से, जैसे कराची से, ताइफ से, मदीना से, तो इस्लाम का हुक्म यह है कि आप मीकात बगैर एहराम के क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो एक अलग चीज है। वो क्या है? उसका उम्रे से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसका इससे ताल्लुक है कि आपने उम्रे की नियत करके मीकात में एहराम बांधा क्यों नहीं, आपने उम्रा किया क्यों नहीं। तो उम्रा ना करने की वजह से आप पे दम वाजिब होता है, तो अब उसका उम्रे से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो ये है कि मिसाल के तौर पर शरीयत आपको हुक्म दे के फला वक्त में नमाज पढ़ो, नहीं पढ़े तो ये सजा है आपकी। तो अब जो भी बाहर से आ रहा होता है मक्का या बैतुल्ला मक्का जा रहा है किसी भी काम से, तो इस्लाम उस पर लाजिम करता है कि आप चूंकि मक्का अल्लाह का शहर है, आप उस पर जा रहे हो और आप हो भी मुसलमान, तो ये जो अल्लाह की बाउंड्री है ना जिसको मीकात कहा जाता है, तो पहले आपने जाके उमरा करना है और एहराम आपका शुरू होगा मीकात से पहले पहले। ये अगर आपने क्रॉस किया मीकात तो बाद में एहराम तो मान लिया जाएगा, लेकिन दम आप पर वाजिब होगा कि आपने क्यों ये बगैर एहराम के क्रॉस किया। समझते हो कि नहीं समझते? और जब हरम में पहुंच गए आप, फिर दोबारा उमरा करना है तो फिर एहराम बांधने के लिए जरूरी है कि कम से कम मस्जिद आयशा तक जाए वो। अफजल तो यही है कि फिर मीकात से बाहर जाए, लेकिन मस्जिद आयशा से कर लेगा तो भी इसमें इख्तलाफ है उलमा का, हमारी जो राय है वो उसके मुताबिक हम जवाब दे रहे हैं। तो खुलासा में जल्दी से समेटता हूं, उमरा नाम है बैतुल्ला के तवाफ का, शर्त क्या है कि एहराम की हालत हो। और सही जो है ना वो उम्रे का कर रुकन नहीं है, उम्रे के वाजिबात में से है। वाजिबात समझते हैं, यानी अगर सही नहीं करेंगे आपने तवाफ करने के बाद तो गुनागार होंगे और दम देना पड़ेगा आपको। देखो रुकन छूट जाए ना तो चीज का वजूद ही नहीं होता। करते हैं सजदा करते हैं, ये अरकान है ना, रुकू छूट जाए, सजदा छूट जाए तो सजदा सहव से नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज का रुकन ही नहीं पाया जा रहा। लेकिन अगर आपने ये तमाम चीजें कर ली, अत्तहियात के बाद गलती से दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उठने में ताखीर हो गई, तो रुकू अरकान तो फिर भी पूरे हो रहे हैं ना, तो इन गलतियों की वजह से क्या लाजिम होगा? सद्दा साहब। तो जब आप गए एहराम की शर्त पूरी करके, आपने बैतुल्ला का तवाफ किया, उस तवाफ के नतीजे में आपका उमरा हो गया। सही ये उमरे के वाजिबात में से है, आप अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे, लेकिन उमरा आपका हो जाएगा, आप पर दम वाजिब होगा। लेकिन तवाफ ही छोड़ दिया आपने तो दम से उमरा नहीं हो जाएगा, फिर तो किया ही नहीं आपने उमरा। तो इसमें जो मरकजी हैसियत है वो बैतुल्ला को है, आप जो जाते हैं बैतुल्ला के तवाफ करने के लिए जाते हैं। असल में हज किसका नाम है? हज में दो अरकान है, उम्रे में कितने हैं? तो इसलिए कुछ भी ना होना तो आखिरी दर्जा ये कि एहराम बांध के तवाफ कर ले आदमी हर कीमत पे, बस उमरा हो गया उसका, बाकी चीजों की तलाफी दम से हो जाएगी जानवर जबा करने से। तो हज में भी याद रखो दो काम हज के अरकान में से हैं, वो नहीं होंगे तो हज नहीं होगा आपका। दो काम कर लिए ना तो हज हो गया, बाकी तमाम चीजों की तलाफी दम के जरिए हो जाएगी। तो एक है उसमें तवाफे ज़ियारत जो बकरईद के दिनों में होता है, समझते हो? हज इसका नाम है, ये जो बकरईद के दिनों में, इसके टाइम भी मुतायन है, उस वो टाइम भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे फर्ज नमाज का टाइम मुतायन है ना, तो जो हज का फर्ज तवाफ है उसका भी टाइम शरीयत में मुतायन है। और दूसरा रुकन है वकूफ आरफा, अरफा के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को जाके ठहरना, और शर्त यह है कि एहराम की हालत हो। और यह एहराम की हालत में होना यह वकूफ आरफा के लिए शर्त है, तवाफ़े ज़ियारत के लिए शर्त नहीं है। तो 9 ज़िलहिज्जा को जो अरफात के मैदान में चला गया एहराम की हालत में और वहां थोड़ी देर भी स्टे कर लिया उसने, यहां तक के हेलीकॉप्टर से भी गुजर गया, किसी भी तरह उस मैदान की मुहाजात में आ गया, और फिर बकराईद वाले दिन उसने 7 चक्कर बैतुल्ला के गिर लगा लिए, तो उसका हज क्या हो गया? कंप्लीट। बाकी गुनाह होगा उसको कि वकूफ मिना क्यों नहीं है और सही क्यों नहीं है, तो इन गुना भी होगा, और उसकी तलाफी के लिए रमी क्यों नहीं की उसने, तो ये सारी चीजें की तलाफी किसके जरिए हो जाएगी? दम के जरिए। इसलिए खूब समझ लो कि अगर हज का आप एहराम बांध लो ना, तो अब हर कीमत पे आपने वकूफ अरफा करना ही करना है,
اور جو لوگ طواف زیارت چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا حج میں, فلائٹ نکل رہی ہے, تو یہ خوب سمجھ لیں کہ طواف زیارت میں احرام کی حالت تو ضروری نہیں ہے, لیکن جب تک طواف زیارت کوئی نہ کر لے اس وقت تک اس کی زوجہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی, اور عورت نے اگر کیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں طواف زیارت چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں پہ, تو یہ غلط ہے. تو وہ ہر قیمت پہ جا کے کیا کرنا پڑے گا. تو اس لیے طواف زیارت کو حج میں بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے.